और ब्रूसली बड़ा पॉपुलर था। तो हमारे एक जगह हमारे ऐसी थी जहां पर वो टीवी बेचा करते थे, तो उसके बाद से निकलते हुए जाना तो वो बाग में वो मैंने देखा था ज्यादातर। वो उसको या तो मालिक को शौक था, वो ब्रूस ली फिल्में देखते रहता था मैं। तो हम शीशे में से दूर से खड़े होके ब्रूस वो उधर से देख रहा था, हम बाहर से देख रहे होते थे। आवाज तो नहीं आती थी मगर एक्शन आते थे। आप कितने भी मोटिवेशन स्पीकर बन ले, कितने भी सामने वाले को बिठा के नचवा लीजिए, गवा लीजिए, खिलाड़ी बना लीजिए, अगर आप फिजिकल फिट नहीं है ना आप समाज की सेवा कर सकते हैं, ना देश की सेवा कर सकते हैं, ना घर की सेवा कर सकते हैं, ना अपनी सेवा कर सकते। जो अनफिट आदमी है, बीमार आदमी क्या समाज की सेवा करेगा, मैं करेगा क्या देश की सेवा करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं उनको सबसे मोटिवेट, जो स्पीकिंग मेरा मेन मुद्दा है कि आप अपने आप को फिट रखिए। उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकर कभी गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार कभी चाह कर भी हमें हरा नहीं सकती। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? ये मुमकिन होता है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है। अब आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आए, इसको कैसे पैदा किया जाए? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ डिफेंस से। जब हम अपने आप को सेफ सिक्योर फील करते हैं तभी हम रिस्क भी ले सकते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत भी करते हैं। अब सेल्फ डिफेंस के बारे में हमने सुना तो थोड़ा बहुत सबने है, लेकिन जानते नहीं कि सेल्फ डिफेंस असल में होता क्या है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसके फायदे हैं। आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस के एक्स ऑनररी चीफ कोच, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के एक्सपर्ट श्री शिव कुमार कोहली जी हैं। आज इनसे हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि असल में सेल्फ डिफेंस होता क्या है, इसकी ट्रेनिंग कैसे ली जा सकती है, कैसे इसके बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आपका भी मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने अपने शो में बुलाया, और बड़ी इच्छा थी मेरी कि मैं आपसे मिलूं, और आज सौभाग्य है कि मैं आपसे आके मिला। सेल्फ डिफेंस के बारे में जो आपने मेरे से ये पूछा कि सेल्फ डिफेंस क्या है, मैं इसको दो पार्ट में बोलता हूँ कि हम इसको कॉमन कहते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है मैं सिर्फ अपनी रक्षा करूँ, जी अगर मेरे पड़ोस में या मेरे साथ वाले में किसी कुछ हो रहा तो आंख बंद कर लूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का एक कॉमन नाम है सेल्फ, कि मैं आत्मरक्षा करूं। जी मगर सेल्फ डिफेंस का मेरे जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो ये होता है सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हेल्प डिफेंस, कि दूसरों की मदद भी करें, और सेल्फ नहीं, इसको ये मान के चले कि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है हमारी सुरक्षा। हमारी सुरक्षा में मेरी भी सुरक्षा आ जाती है, मेरे आसपास वालों की भी सुरक्षा आ जाती है, और अगर किसी को जरूरत पड़े, अगर मैं वहां पर प्रेजेंट हूं और मुझे लगे कि मैं अपने हुनर से अगर कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है, अगर उसको बचा सकता हूं, उसकी मदद कर सकता हूं, तो इसका मतलब है सेल्फ डिफेंस। ये बहुत अच्छी बात कही कि मैं की बात नहीं करनी, हमने हम की बात करनी है, हमारी बात करनी है। क्योंकि अगर सिर्फ हम अपना सोचेंगे और अगर हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी के ऊपर कोई मुसीबत आई है और हमें उसका सेक नहीं लग रहा, लेकिन आज नहीं कल वो परेशानी हमारे सामने भी आ सकती है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी समझाई। नहीं तो लोग सेल्फ डिफेंस का मतलब यही निकालते हैं कि अपने आप को बचाओ। हाँ, सिर्फ अपने आप को बचाओ, अगर पड़ोस के घर से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, चीखों की आवाज आ रही हो, तो अपने कान बंद कर लो, ये नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो मतलब ये है कि आप तो सेल्फ डिफेंस नहीं, आप सेल्फिश हो गए, तो सेल्फ डिफेंस सेल्फिश में फर्क आ जाता है। बहुत बड़ा तो फर्क। सेल्फ डिफेंस का मतलब यही होता है कि हमारी सुरक्षा, मैं तो ये मान के चलता हूँ, हेल्प डिफेंस, दूसरों की मदद की जाए। अगर आप में ऐसी योग्यता है कि आप अपनी योग्यता से समाज को बदल सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो हमेशा करनी चाहिए। और बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन आपने पर्टिकुलर समाज की सेवा के लिए यही फील्ड कैसे चुना? आपको इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली? मेरे घर के पास अखाड़ा था, एक्चुअल मैं गया तो पहलवानी करने गया था, जी और पहलवानी ही करता था, तो रेसलिंग के साथ साथ कुछ मिलती जुलती जूडो, जूडो भी तो उसके कॉमन उसके आसपास थी। कि रेसलिंग में तो क्या है कि हम लंगोट वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, और जूडो में होता है कि
क्लॉथ डाल के करते, मगर मॉडर्न तरीके से उसका, जिसे हम कह सकते हैं रेसलिंग। और मैं रेसलिंग और जूडो को एक नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग है, उसके रूल्स और रेगुलेशन भी अलग है, मगर यह था कि कुछ कॉमन फैक्टर्स के एक जैसे लगते हैं। तो मैं अपने घर के सामने ही नजदीक था, अखाड़े में जाया करता था, वेट लिफ्टिंग करने का शौक हुआ, वहाँ वेट लिफ्टिंग भी होती थी, वहाँ पर धीरे धीरे कुश्ती करनी शुरू की। फिर मुझे पता लगा कि जूडो गेम होती है, कराटे गेम होती है, तो क्योंकि वही पावर गेम वाली बात थी, जैसे बॉक्सिंग सुन लिया तो मुझे लगा कि उन्होंने जूडो की जाए, तो जूडो शुरू की, जूडो शुरू की, फिर कराटे शुरू की। तो ऐसे ही जो घर के नज़दीक होने का बेनिफिट मिला अखाड़े का, वो अखाड़े में जाके जब जाना शुरू किया, तो फिर दूसरे क्लबों में जाके जूडो भी शुरू की, फिर दूसरे क्लबों में जाके कराटे भी शुरू की, और धीरे धीरे इस काम में दिल लग गया और एक किस्म का स्पोर्ट्समैन जाग गया और आगे बढ़ते चले गए। आपने जो हमें ये बताया कि आपने कैसे अपनी लाइफ में आपने जूडो सीखा, आपने कैसे कराटे सीखा, तो इन द फर्स्ट प्लेस आपका इन स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन कैसे आया? स्पोर्ट्स की तरफ ये था कि उस वक्त ब्रूस ली बड़ा पॉपुलर था हमारे टाइम, और चाइना जापान की हम फिल्में देखते थे, और कई बार तो हमारे घर टीवी अगर खराब होता था, नहीं भी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो हमारे एक जगह हमारे ऐसी थी जहाँ पर वो टीवी बेचा करते थे, तो उसके पास से निकलते हुए जाना करोड़ बाग में, वो मैंने देखा था ज्यादातर वो, उसको यहाँ तो मालिक को शौक था, वो ब्रूस ली फिल्में देखते रहता था बैठ के, तो हम शीशे में से दूर से खड़े होके ब्रूस ली, वो अंदर से देख रहा था, हम बाहर से देख रहे होते थे, आवाज तो नहीं आती थी मगर एक्शन आते थे उसके। तो उसकी जो पॉपुलरिटी थी, जो उसकी टेक्निक देखी, तो हमें लगा कि एक इंसान को कमजोर नहीं बनना चाहिए और कमजोर नहीं होना चाहिए, तो उसको देख के इंस्पिरेशन आया कि हम जैसे, अगर ब्रूस ली अगर इतनी तेज ला चला रहा है तो हम भी चलाने की कोशिश करें। तो और उसके बाद उस वक्त जो चाइनीज फिल्में जैपनीज फिल्में आती थी, जिसमें तो मार्शल आर्ट बहुत आता था, तो उसको देख के बड़ा दिल किया कि हमें ऐसा ही बनना है, तो वहां से एक शुरुआत हुई और वो फिर पैशन में बदल गई धीरे धीरे। आज का जो मोल्ड सोसाइटी का बनता जा रहा है, इसमें सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी हो गया है पहले के कंपैरेटिवली और आज के मोल के मुताबिक? देखिए आज के मोल रहे हैं, ये वक्त के हिसाब से चीजें बदलती है। सेल्फ डिफेंस पहले भी जरूरी था, सेल्फ डिफेंस आज भी जरूरी है, सिर्फ हमारी सोच बदल गई है। क्या पहले आक्रमण हुआ करता था, क्या लोग अपना और अपने परिवार का जो क्या रक्षा नहीं करते थे? हम उसको मॉडर्न तरीके से ले गए कि पहले क्राइम नहीं होता था, अब क्राइम होता है। ये जो समाज का एक पार्ट है, क्राइम तो हमेशा बना रहेगा, अगर अच्छा समाज भी है तो कुछ अच्छे लोग हैं तो बहुत बुरे लोग भी हैं। क्राइम का रूप बदल जाता है, हम उसको पहले इतना था कि मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो आज हम मीडिया के जरिए, फोन के जरिए, टीवी के जरिए, चैनलों के जरिए क्राइम के बारे में ज्यादा सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में ज्यादा घर कर गया। क्राइम पहले भी था, हो सकता है कि आपकी बात मान लीजिए कि क्राइम पहले कुछ कम था, उसके बाद हमारे नीड बदलते गए, हमारी कुछ सोच बदल गई, हमारी कुछ समाज की कुछ ऐसे पैराग्राफ बदल गए तो हमारी सोच बदलती चली गई। हो सकता है कि अपनी नीड पूरी करने की क्राइम कुछ ज्यादा हो गया हो, मगर क्राइम पहले भी था, आत्मरक्षा की जरूरत पहले भी थी। चाहे आप महाभारत उठा लें, रामायण उठा लें, तो वहां सेल्फ डिफेंस वहां भी हो रहा था, अग्रणी का आक्रमण कर रहा था तो दूसरा बच रहा था। तो युद्ध कला जो है वो हमेशा से रही है, और मेरे हिसाब से जो ताकतवर होता है, चाहे वो राजा हो, कमजोर राजा अपने देश को नहीं संभाल सकता, और कमजोर मुखिया अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, तो ताकत की जरूरत और पावर की जरूरत तो हमेशा रही है, चाहे वो महाभारत के टाइम चले जाए, चाहे रामायण के टाइम चले जाए, किसी भी टाइम चले जाए। तो सेल्फ डिफेंस, आज हम इंग्लिश में उसको सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं, पहले वो युद्ध कला होती थी, तो वो दोनों वो वक्त के हिसाब से उसका नाम बदल गया, वक्त के हिसाब से उसकी जरूरतें बदल। सर जैसे कि आपसे हमने बात करी जब, तो आपने हमें बताया था कि आप सिंगिंग भी करते हो, एंड आई हैव हर्ड यू मेनी टाइम्स लाइव आल्सो, तो आपका स्पोर्ट्स और सिंगिंग ये कॉम्बिनेशन? स्कूल टाइम में जब रिसर्च होती थी तो हमारा एक दोस्त हुआ करता था, उसको टेबल बजाने का बड़ा शौक था, तो लोग जैसे नीचे खाने के लिए चले गए
तो मैं घर सामने ही था, तो कोई ऐसा था नहीं नीचे खाना है, तो जिसे हम कहते हैं बंक मार के जाना, उसका भी घर पास था। तो हम देखा खाली बैठा है, चौकीदार से थोड़ा रिक्वेस्ट करके बिल्कुल सामने घर था, जो खा के आना होता था खाली भीड़ में खा के फिर वापस आ जाते थे। तो रिसेस में नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो उसको टेबल बजाने की आदत थी। वो कोई फिल्मी गाने सुनाता था, उसको बजाता रहता, खुद ही गाता रहता था। एक दिन वो गा रहा था और बजा रहा था, मगर ये नहीं आ रही गाना, तो गलत गा रहा है, कहता तू गा ले फिर। तो मैंने वो गाना गाया, तो वो बजाता गया बजाता गया, तो उसने मुझे कहा कि ये तो बड़ा जबरदस्त गाता तू तो, है तू तो प्लेबैक सिंगर बन सकता है। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि मैं ही गा लेता हूँ। फिर उसके बाद वो महफिल रोज स्कूल में जमने लग गई। वो पहले हम दो थे, वो चार हुए, फिर जो पहले 150 लड़के या नीचे जाते थे खाने के लिए, वो रिसर्च का जो सामान था वो आती दफा ही ऊपर ले आते थे, और रोज जो दो थे वो 75 में बदल गए। तो वो वहीं बैठ के मेरे हमारे गाने सुनते थे, तो 20-25 मिनट उसी में निकल जाते थे। मुझे लगा कि ये तो मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, क्योंकि उनका मोटिवेशन मुझे बड़ा मिलता था कि यार तू कॉम्पिटिशन में जा, तू ये कर, तो बड़ा अच्छा है। फिर मैं स्कूल के जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उसमें गाने लग गया। प्रिंसिपल ने कहा भाई आप बहुत अच्छा गाते हो, आप ही गाओ गाना। तो मुझे वो लाइन लिख के दे देते थे, मैं गा देता था स्कूल की, वो हारमोनियम वो शुरू हो जाते थे। तो उससे संगीत का शौक पैदा हुआ। जो मेरे दोस्त थे वो कुछ ऐसे थे, खुद तो कुछ नहीं करते थे और मुझे पुश करते थे कि बस तू बहुत बढ़िया गाते। तो बस वो आदत पड़ गई, दोस्त ऐसे मिल गए मुझे कि जी उनकी सपोर्ट के कारण मैं आगे भी आ गया। और फिर वो सिंगिंग का एक जुनून सा चढ़ गया कि मुझे लगा कि माँ सरस्वती ने मुझे गला ऐसा दिया है कि मैं इससे में इसमें भी नाम कमा सकता। अब रुबानी ने गीत संगीत की बात की है, तो हमें सबसे पहला है कौन सा गीत, कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं जो आज की जरूरत है कि लोग जो सबसे महरूम हो गए, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमारे पास हर चीज रिमोट के ऊपर है, कारें हमारे नीचे घर के पास खड़ी हुई है, हर जी चीज हमारे पास है, मगर परेशान इतने हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट तो कभी नहीं आ रही। वो क्या वजह है, आपको एक्सपीरियंस में से ज्यादा होगा इसमें, कि सब कुछ होने के बाद चेहरे पे टाइटनेस बढ़ी है। बड़े शादी में भी खड़े हुए खा रहे हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, और मतलब चेहरा ऐसे हो रहा है, मतलब चेहरे में खुशी नहीं है बिल्कुल भी। बर्थडे में भी खड़े हैं तो मैं उसके खुशी में शामिल नहीं हो रहे, मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लग रहे हैं। तो ये चीजों के लिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। किसी की दुख को कम करने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, अगर आप उस दौरान अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो सामने वाला भी शर्मिंदा होकर अपनी बातों को थोड़ा वापस ले लेता है, जी क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो आज हमारे से छिन गई है। जी अगर कुछ मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे है, वो मैक्सिमम मैंने देखा है वो 80% को, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ ज्यादातर, वो सारी नकली है। मैं को बता रहा हूँ वो नकली है, मतलब असली असली नहीं आती हमारे चेहरे पे जी कोई। तो उसके लिए एक ही गीत है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी को अगर आसान करना है, आपने गमों से थोड़ा दूर होना है, तो चेहरे पे, और रियल जो हमारे, मैं कहता हूँ चेहरे पे नहीं, हमारे दिमाग में मुस्कुराहट होनी चाहिए। जो दिखती तो नहीं है, अगर मुस्कुराहट उसमें आएगी तो चेहरे पे भी आ जाएगी जिसको। और दूसरा मैं ये जरूर सुना चाहता हूँ कि जो आज शायद 70 साल पहले लिख दिया गया था, मगर आज हम जो विश्व गुरु बनने की तरफ जो हमारा देश भारत जा रहा है, तो ये लाइन पहले लिख दी गई थी 60-70 साल पहले, मगर वो आप पूरी हो रही है। तो वो गाना, ये मेरा गाना जो है, हजारों लड़कियों ने मेरे साथ इसको गाया, राजनाथ सिंह जी वहां पर प्रेजेंट थे, और इस गाने को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और गीत है कि वो इसका एक एक शब्द जो है आज साबित हो रहा है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे
मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो ये जो गीत है, मैंने देखा कि लोग आजकल के जो मॉडर्न जो यंग जनरेशन है, वो कहते हैं कि हमारी जनरेशन आजकल ऐसी नहीं, यंग जनरेशन के पहले नहीं थे क्या, हम यंग नहीं थे क्या? यंग जनरेशन क्या होता है, मुझे आज तक ये बात समझ है, क्या आप यंग नहीं थे किसी टाइम कि हम यंग जनरेशन ऐसे करते हैं? ऐसे कैसे करते हैं? पहले देश के लिए जज्बा ज्यादा था, पहले लोग खेलों के ज्यादा प्रति उत्साहित रहते थे, मिलिट्री और पुलिस में ज्यादा जॉब करना चाहते थे, देश के प्रति जज्बे को लेके। आज हम उसको सिर्फ नौकरी के तौर पे कर रहे हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे करते हैं, मगर हमारी कहीं जो सोच बदली है, उस सोच को वापस लाना है, समाज के लिए भी और देश के लिए। आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात की कि बहुत सारे बच्चों के साथ आपने ये गाना गाया, और दो बार शायद आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। हाँ, दो बार आया जी, मगर इसमें ऐसे तीन पार्शली तीसरी बार भी आया, मगर मेन तो दो बार तो आया ही है। मेन दो बार। तो वो किस पर्टिकुलर फील्ड में आपने परफॉर्म किया था जिसके लिए ये आपको दो बार ऑनर किया? देखिए, मैंने तो ऐसे पार्शली कह रहा कि एक तो मेरे साथ हजारों लड़कियों ने गीत गाया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मैं गा रहा हूँ वो भी मेरे साथ गा रही जी। जो एक वंडर था, जो मेरी जिंदगी का ऐसा सीन था कि हजारों लड़कियां सिर्फ सारी सर दिख रहे हैं, वो एक ही स्वर में, मार्स सरस्वती का ऐसा प्रताप देखे कि एक ही स्वर में सारे गा रही हैं, जबकि मुझे सिर्फ उनके सर दिख रहे हैं और एक भी ऊंचा नीचा स्वर नहीं है, और मैं साथ गा रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी वहां बैठे हुए थे, पूरे देश की मीडिया वहां खड़ी थी, वो भी एक बार चंबित हो गई कि हम ये क्या सीन दे रहे हैं। उसी में लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो आज तक नहीं हुआ, हजारों लड़कियों ने सेल्फ डिफेंस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, बहुत जबरदस्त, और जो आज तक इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कभी हुआ ही नहीं, 7,000 लड़कियों का, जिसे हम सेल्फ डिफेंस का नाम क्योंकि अब कॉमन ले रहे हैं, हेल्प डिफेंस भी कह सकते हैं, पर जो ये कह सकते हैं कि लड़कियों ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो हम या तो सपने में या किसी अजूबा वाली फिल्मों में देख सकते हैं, कि उन्होंने संगीत के साथ साथ आत्मरक्षा की भी जो टिप्स दिखाए उन्होंने, कि हम अपनी और अपने समाज की और अपने साथ वालों की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया। और सिर्फ जब उनकी आवाज आ रही थी, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर जिसने भी आज वो आवाज जब सुनी, तो अगर वहां पर आसपास 10-12 शेर भी घूम रहे होते, तो वो भी कोई ना कोई बिल देखते कि ये हमारे से तगड़ी शेरनियां कहां से आ गई, वो सचमुच शेर बिल में चले जाते। तो ऐसी ऐसी गर्जना थी उनकी आवाज की, जो आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। और राजनाथ सिंह जी से ने हमें बुलाया, मुझे और किरण को भी, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेन किया था, उन्होंने कहा कि आपने ऐसा काम कैसे कर दिखाया, मुझे तो यकीन ही नहीं कि जो मैंने आज देखा। हमें भी सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये आज के टाइम में और आज के हालात में ये सब कुछ करना मुमकिन है। सर, जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च करी, तो उसमें मुझे पता चला कि हमने 7 घंटे 10 मिनट तक गाया। कमाल तो ये हो गया कि 7 घंटे से भी काफी ऊपर था, कई घंटे ऊपर था, मगर क्योंकि जो कैमरे लगे होते हैं उसमें दो ने साथ नहीं दिया मेरा, सो वो थोड़ा ग्लिच आ, हाँ उसमें गड़बड़ हो गई, मगर जो 3 कैमरों ने उसको सही पकड़ रखा था, तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया था, उसमें रिकॉर्ड मेरा बन गया। 7 घंटे 10 या 20 मिनट का टाइम था। उसमें खासियत ये थी, सिर्फ ये नहीं होता कि वो कहते हैं वो 10-15 मिनट का गैप देते हैं,
कि आप जाइए वॉशरूम आइए पानी पी लीजिए। मैं ना वॉशरूम गया ना मैंने वहां पानी पिया। मैं ऐसे नहीं गाया कि मैं कॉपी ले ली और गाए जा रहा हूं गाए जा रहा। मेरे गाने के साथ संगीत भी चल रहा था, संगीत साथ चल रहा था, मुझे संगीत की बीट को गलत भी नहीं होने देना था। अगर मैं संगीत की बीट के साथ नहीं गाता तो मेरा गाना गलत हो जाता, वो वही रोक दिया जाता कि भाई ये तो आप गलत गा रहे हैं। मैंने सादा नहीं गाया, विद म्यूजिक गाया, बिना उठे। अगर मैं यहां पर 1 बजे बैठ गया तो मैं यहां से फिर 8:20 पे उठा या 10 मिनट पे उठा, ना मैंने पानी को छुआ ना मैंने बात की। एक बार म्यूजिक ऑन हुआ, कंटिन्यू म्यूजिक चलता रहा, गाने बदलते रहे बदलते रहे बदलते रहे, और मैं बिना विदाउट मिस्टेक बिना जर्ग दिए उस गानों को गाता रहा और कोई गलती नहीं हुई थी। और उसमें यह था कि वो जो रिकॉर्ड हुआ इतना था मेरे, मुझे याद है वो जो मैंने जो रिकॉर्ड में था वो 11 घंटे से ऊपर था। 4 घंटे जो मेरी किसी मिस्टेक के कारण रह गए, ये तो 11 घंटे से ऊपर का था। वो अफसोस मुझे आज भी है, और जल्दी ही मैं अपने ही रिकॉर्ड को इससे बहुत बड़े स्केल में तोड़ने वाला हूँ, जो मैं आज जॉली जी के शो में बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं किया था। इस रिकॉर्ड को ऐसे नहीं तोड़ूंगा कि कुछ आगे 15-20 मिनट आगे बढ़ा दिया। इस जो रिकॉर्ड मेरा बना उससे बहुत हाई लेवल पर तोड़ने जा रहा हूँ कि लोग एक बार सोच के भी रात को नींद में जाग जाएंगे हमने क्या देखा है। सर नहीं, बट फिर भी 7 घंटे नहीं है, लोग 7 घंटे की नींद लेते हैं, 7 घंटे गाए। और मेरा कोई गला नहीं बैठा उस दौरान, मैंने मतलब कर ही नहीं सकते जब रिकॉर्ड बन रहा था, कुछ नहीं, बिल्कुल लयबद्ध, जैसे प्लेबैक सिंगर गाता है लय में, उस लय को भी नहीं टूटने दिया किसी गाने में, जबकि हर 3 मिनट के बाद गाना बदल रहा था। गाना पूरा हुआ दूसरा आ गया, 4 मिनट का या 5 मिनट का जो भी है, गाने के ट्रैक बदल रहे थे, मैं उसको साथ गा रहा था, और हर एक गाना अलग था, और विद इन गाना चेंज होती, जैसे मैं अभी सैड सॉन्ग गा रहा हूँ तो दूसरा गाना जॉली नेचर का आ गया, जैसे जॉली अंकल भाई के पान बनारस वाला समझ लीजिए, और मैं अभी गा रहा हूँ तेरे नैना सावन बातों, गंभीर गाना, एकदम ही गाना बदला खाई के, और उसी के साथ ही एकदम आवाज को बदल देना, ये सारे एक्सपीरियंस उसमें थे। सर तो इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, आपको क्या किस चीज को आपने देख के इंस्पिरेशन ली कि ऐसा एक रिकॉर्ड बना? उसमें स्टोरी बस सीधी सी है कि शुरू से मेरी ये लक्ष्य रहा, जैसे कि कोई भी काम करो वो लोगों से हट के करो। मैं गाना गा रहा हूँ, जॉली जी भी गाना गा रहे हैं, तो बात तो एक ही है, मैं हिंदी गाते गाते एकदम मद्रासी में आ जाओ, मद्रासी एकदम तमिल में कर दूं या उसको पंजाबी में जोड़ दूं तो अलग हुआ। तो हमेशा मेरा नेचर रहा, ये मेरे नेचर में, मैं अपने आप से भी बड़ी जल्दी बोर हो जाता हूँ, मैं अपने काम से बड़ी जल्दी बोर हो जाता हूँ। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो वहां ये नहीं कि मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, वहां जाके मैं मोटिवेशन स्पीक भी करता हूँ उनके साथ, उनको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, और योग भी करवाता हूँ, संगीत के साथ भी जोड़ता हूँ, अगर उनको कोई स्पोर्ट्स आता है स्पोर्ट्स भी। मैं अपनी क्लास में भी किसी को बोर नहीं होने देता क्योंकि मैं खुद अपने आप से बोर हो जाता हूँ। मैं अपनी कोई भी एक चीज कराते कराते बोर हो जाए, मुझे लगता है नहीं थोड़ा चेंज करना चाहिए, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो हो सकता है इनको भी अच्छा ना लगे, तो मैं उनको फिर उसको मल्टी उसमें चेक कर देता हूँ। उनको क्लास है 2-3 घंटे की, मेरी क्लास में ऐसे लगती है जब खत्म हो जाती है तो ऐसे मैं कहता हूँ कि ठीक है जी थैंक यू, क्लास का टाइम इतना ही था, तो वो यूं देखते कहते हैं सर क्लास खत्म, मैं कहाँ करूँ, मेरी 4-5 घंटे की क्लास ऐसी होती है कि आप ऐसे लगेगा कि अभी आए थे और अभी ये क्लास एकदम। तो आपने मोटिवेशनल स्पीकर की भी बात की कि आप मोटिवेशनल सेशन भी लेते हैं, उसमें आप मेन टॉपिक्स क्या क्या कवर करते हैं? देखिए मोटिवेशन स्पीकर चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी, उसके 2-3 चीजें ही होती है मेन, कि आप समाज के लिए कुछ करें, अपने फ्यूचर को देखें, अपने लाइफ को सेट करें, किसी से किसी से आपने अपने आप को कम नहीं समझना। तो ये स्पीक मेरी ये बातें तो रहती है, मेरी सबसे बड़ी जो चीज रहती है वो एक ही है, आप कितने भी मोटिवेशन स्पीकर बन लें, कितने भी सामने वाले को बिठा के नचवा लीजिए गवा लीजिए
खिलाड़ी बना लीजिए। अगर आप फिजिकल फिट नहीं है, ना आप समाज की सेवा कर सकते हैं, ना देश की सेवा कर सकते हैं, ना घर की सेवा कर सकते हैं, ना अपनी सेवा कर सकते। क्यों? जो अनफिट आदमी है, बीमार आदमी, क्या समाज की सेवा करेगा, मैं करेगा क्या देश की सेवा करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं उनको सबसे मोटिवेट, जो स्पीकिंग मेरा मेन मुद्दा है कि आप अपने आप को फिट रखिए। अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आप काम पे भी अटेंशन दे सकेंगे, अपने परिवार पे भी अटेंशन दे सकेंगे। जो आजकल सबसे बड़ा जो वायरल फैला हुआ है मोबाइल का, अगर आप स्वस्थ है तो मोबाइल भी अच्छे से देख पाएंगे, बीमार आदमी की तो आंखें बंद होंगी, मोबाइल भी कैसे देखेंगे। तो मेरा मेन ये रहता है सबसे जरूरी कि आप स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, मैं कहता हूँ न्यूडल भी खाइए और उसके बाद वो मोमोज भी खाइए, मगर कम खाइए, इतना ना खाइए कि वो आपको खा जाए। आपकी एक एनजीओ नैना एक्टिविटी एजुकेशन सोसाइटी जी, उसके लिए भी आप अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारी सेवाएं देते हैं जी। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हैं? उसमें जैसे आत्मरक्षा की ट्रेनिंग कैंप तो चलते चलते हैं, संगीत के बहुत सारे प्रोग्राम मैं करवाता हूँ आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए, और जैसे टॉक्स के शो कर मैं करवाता हूँ, और ड्राइंग कंपटीशन और सेल्फ डिफेंस का जैसे मेन तो वो है योग कंपटीशन करवाता हूँ। उसके जरिए मेरे इस सोसाइटी से बहुत सारे जो मेरी सोसाइटी से आके जुड़े, वो बहुत सारे जो आपके रियलिटी शो चल रहे हैं सारेगामापा, इंडियन आइडल, वो कहीं ना कहीं मेरी सोसाइटी से कई लोग जुड़े रहे और वो वहाँ तक गए, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और मेरे यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले, इवन देन मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरी यहीं से स्कूल में जो मेरे पास सीखती थी स्कूल में मेरे क्लब में, वो देश की पहली, आज अभी पीछे ओलंपिक खत्म हुआ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, नेशनल इंटरनेशनल की मैं बात कर ही नहीं रहा, ये कितने गर्व की बात है, इस देश को पहली वुमेन जो लड़की ओलंपिक खेलने गई, उससे पहले कोई वुमेन लड़की जो थी ओलंपिक में नहीं गई थी, वो मेरी स्टूडेंट थी और मेरे पास ही वो सीखती थी, उसने मैं ये गर्व हासिल किया कि देश की वो पहली लड़की बनी जो जूडो में ओलंपिक खेल के आई, उसमें उसका नाम था संगीता मेहता। और अभी किरण सेठी भी इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग खेल के आई, ऐसे अनगिनत खिलाड़ी रहे जो मेरे यहाँ से निकले जिन्होंने बहुत नाम कमाया और आज वो अच्छे अच्छे पदों पर। सर, जैसे कि आपने बताया कि फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जो हमारी या आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ है, हम उसको कैसे देखना चाहिए, कैसे पोर्ट्रे करना चाहिए कि ताकि हमारा माइंड भी फिट रहे? देखिए, सबसे बड़ा जो शरीर का कंट्रोल रूम है वो हमारा माइंड है। अभी कल ही की बात है, मैं रिक्शा में बैठा, मैंने गाड़ी अपनी लगाई, मुझे चांदनी चौक जाना था। देखिए माइंड क्या चीज होती है, जो इस माइंड को समझ गया, मैं तो अभी काम वर्क भी कर रहा हूँ और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ कि उसमें बड़ी तकलीफ भी हुई मुझे और अभी भी होती है, कुछ मैं माइंड के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि ऐसा क्या होता है। अभी कल ही मैं चांदनी चौक में जाना था किसी काम से, कुछ सामान लाना था, तो वहां बड़ा कंजेस्टेड रही, तो मैंने दरियागंज में गाड़ी लगाई, मैं यहाँ से रिक्शा कर लूंगा, वहां से सामान लेके तो रिक्शा करके आ जाऊंगा, गाड़ी उठा लूंगा। ये आपको कल का ही बता रहा हूँ, तो वो जो रिक्शा में बैठा था, तीन जिन्हें बैठे हुए थे, जब रिक्शा चला वो थोड़ा ऐसे बैठा था, तो पहले तो वो आदमी ठीक बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गया, तो मैंने उसको रिक्शा वाले कहा, मैं कहो तेरा रिक्शा तो उधर बेंड हो रहा है और सब में बेंड हो रहा है, अगर ये तो गिर जाएगा भी है, मरवाएगा तो हमें सबको, इसको इसके यहाँ तो तेरे रिक्शे कुछ ऐसे पार्ट है वो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, शॉकर जिसे हम शॉकर कहते हैं, वो कुछ कमानी कहते हैं, कमानी शायद हो सकता है, कमानी ढीली हो ऐसे बोला वो, तो मैं कहा मारेगा क्या, हम मुंह के बल गिरेंगे सारे जाके और सबकी हड्डियां टूटेंगी। अभी तक वो जो तीन आदमी ठीक बैठे हुए थे वो कह रहे ओए रिक्शा रोक रोक दे रिक्शा, ओए हाँ ये तो टेढ़ा हो रहा है, अभी तक वो आ रहे थे क्या पहाड़गंज से पता नहीं, उधर बहुत एक हॉस्पिटल है वहां से आ रहे थे वो रंजीत होटल रंजीत वो फ्लाई ओवर के पास है, तब तक तो वो ठीक थे, मेरे बैठते जैसे मेरे ऐसा लगा कि ये तो टेढ़ा है, तो मैंने कहा तो उनके दिमाग में आया कहता है, और वो लिटरली उतर गए, पैसे दिए, वो कह रहा आपने आगे जाना, कह रहा नहीं नहीं
तो मारेगा मैं? बाबूजी ठीक कह रहे हैं, मैं बैठा रहा। वो आगे गया तो वो मुझे कह रहा, बाबूजी आपको क्या टेढ़ा दिख रहा है? मगर नहीं तो सीधा। कह रहा जी वो सड़क पर बैंड थी इसलिए वो छीछा इधर हो रहा था, आपने बोला डर के उतर गए वो। तो माइंड का खेल देखिए, अगर हम इस कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, ये सारा खेल दिमाग का है। जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, जिसने अपनी सोच को जीत लिया, समझो तो जा। अगर मैं ये कह दूं, अभी तो मैं बात कर रहा हूं, हम सारे बैठे होंगे, अगर मैं ये कह दूं या आप मुझे कह दें, जैसे मैं बड़े गर्व से बोल रहा हूं, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, आप अगर मुझे कह दें कि कल हमने यहां सांप देखा इसी कमरे में, तो कैमरा भी डगमगाएगा और आपकी आवाज मेरी आवाज तो डगमगाएगी। मैं इधर कम पीछे ज्यादा देखूंगा, और जरा सा कि अगर कोई ऐसा पता कर दो तो पाओ को बार बार करूंगा, हाथों नहीं किया साहब। तो ये सारा खेल दिमाग का है। जैसे ही दिमाग के ऊपर जो अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, है बड़ा मुश्किल काम और बड़ा खतरनाक काम भी है। कई बार ये मैंने कोविड के बाद इस पे रिसर्च करना शुरू किया कि कोविड पे जो इतना डर बैठा था, जो कॉमन आदमी, जो सड़क पे कई ऐसे लोग थे जो सफाई का काम कर रहे थे उनको कोविड नहीं हुआ, जो ऐसे और जो बार बार हाथ धो रहे थे, बड़ा प्रिकॉशन कर रहे थे, उनको जल्दी जल्दी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है कि हम इतने चारों उसमें अपने आप को बंदिश में रखा हुआ है फिर भी हमें कोविड हो रहा है, जो खुले में घूम रहे हैं उनको नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे एक दो से बात की, मैं कह रहा था कुछ नहीं होता है, कोविड वोविड हम तो आराम से सोते हैं, ये तो आप तुम जैसे लोग बाबू की परेशानी होगी, हमारी तो नहीं है। मैं कहा ये दिमाग का देखिए कॉन्फिडेंस क्या है, तो ये जो भी शब्द आ रहे हैं दिमाग से निकल के आ रहे हैं, तो सारा दिमाग का खेल है। सारे शरीर को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। अगर मैं ये दरवाजे के पीछे, ये कहूँ के पीछे बहुत बड़ा बदमाश खड़ा है जिससे मेरा कल झगड़ा हो रहा था, या तो मैं उससे डर जाऊं, मेरा दिमाग वहां से केमिकल रिलीज करेगा कि मुझे मार देगा, इसके हाथ में रिवॉल्वर होगी, चाकू होगा, और या मैं ये रिलीज कर दूंगी इसकी इसकी बदमाशी में जाते ही इसकी ठीक कर दूंगा। तो ये दो चीजें हैं, वो दिमाग ही हमें कहता है, जिसे हम कि हम कैसे सोचते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे रिएक्ट होता है, वैसे ही हमारा शरीर। कई बार हम कहते हैं जी घबरा गया घबरा गया, कई बार लोग साइकिल से गिरते एकदम खड़े हो जाते हैं, कई बार वो गिरते हैं यूं यूं करते रहते हो, चोट उनको इतनी लगती नहीं जितना वो दो चार को बताना चाहते हैं, मुझे लग गई, वो दिमाग भी फिर वैसे रिलीज करता है केमिकल। और कई लोग जो एकदम सीधे खड़े होते हैं वो कहते हैं भाई जी कुछ और कुछ नहीं कुछ, साइकिल उठाई चल पड़ो। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये असल में सारा जो गेम है ये हमारे थॉट प्रोसेस का ही है। थॉट गेम फिजिकली बहुत बाद में बीमार होते हैं, पहले हम मेंटली बीमार होते हैं। अगर हम मेंटली सोचना शुरू कर दें कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तो मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो बॉडी उसी तरह ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। बिल्कुल करती है सर, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं इसीलिए हूँ, ये बड़ा लंबा चला जाएगा। मैंने अपनी एक दो बीमारियां ऐसी ठीक कर ली दिमाग से, मैं डॉक्टर के गया ही नहीं, और इवन देन मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि मुझे कोई तकलीफ, मगर मुझे पता था कि मुझे कोई तकलीफ होगी। और एक बार डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया जी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, उन्होंने मुझे उस पर भी दिखाया, इको करवाया उन्होंने, इको में भी दिखा दिया सब, कह रहे ये देखिए ईसीजी में भी दिखा दिया उन्होंने कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, और अब इसकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, आज से 25 साल पहले की कर, आप देख लीजिए उसके बाद मैंने कितनी अचीवमेंट्स की। तो आपके दाखिल होने, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करोगे ये कर दो ये हो जाएगा, जुड़ के जाओगे, ऐसी बातें थी। तो मेरे दिमाग में आया उस वक्त भी आ गया कि लुढ़कना तो है ही। अच्छा मैंने एक दिन वो ये सोचा कि ये कहते हैं कि आपने सीढ़ी नहीं चढ़ना, ये नहीं चढ़ना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बात करनी है, आपने ये नहीं खाना, मैं कहा एक बार देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा था सीढ़ी नहीं चढ़ना, आप ये बात मान, शायद आपको मैं बहुत पुराने बात बता रहा हूँ, जब ये आपको बता दिया गया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं बुद्धा गार्डन से, जो आपने नाम सुना होगा, बुद्धा गार्डन से धोला कुआं से बहुत आगे तक जहां पर गुड़गावा रोड आती है जी, मैंने दौड़ लगा दी, मेरे पीछे मेरे दो स्टूडेंट स्कूटर लेके, मगर यार मुझे कुछ हो जाए तो उठा लेना बस। तो सर कहने का उनका सर क्या बात होगी आज बड़ी जॉगिंग के मूड में, मगर नहीं कह रहा सर ये कहाँ तक जा रहे हो जो आप कह रहे हो, आपको नॉर्मल वैसी जॉगिंग बड़ी तकड़ी कर लेते हो,
मतलब मैं नहीं, तो मेरे दिमाग में था ना इन्होंने हार्ट का कह रखा है, मैं कहा मुझे कुछ हो जाए तो घर फोन कर देना, मुझे हॉस्पिटल ले जाना है जो भी तुम्हें लगे। तो दो स्टूडेंट बड़े पहलवान टाइप की मेरे स्कूटर पीछे लेके, लोग भी देख रहे, मैं दौड़ लगा रहा हूँ जहां से शंकर रोड की शुरुआत होती है बोधा गार्डन सड़क से। मैं मुझे याद है कि मुझे पेशेंट कह रखा है, मैं कम से कम 16 किलोमीटर दौड़ा और वापस आया 5 मिनट रुके 10 मिनट रुके, 32 किलोमीटर में दौड़ा जी। और कमाल देखिए, जब मैं वहां रुका अपने सेंटर में जाके, मेरा वहां शंकर रोड में सेंटर होता था, 6 बजे सेंटर शुरू होता था, मैंने लड़कों को 5 बजे बुला लिया था, मैं 1.5-2 घंटे में वो सारा काम करके वापस अपने सेंटर में 7 बजे खड़ा हो गया आके, और मुझे सांस नहीं ली, जबकि मुझे हार्ट का डिक्लेयर कर दिया था। अब वो क्या वजह थी, दिमाग ने कुछ ऐसा जनरेट किया, मैंने सोच लिया था, मैं साली ये वाली जिंदगी नहीं जीनी मैंने कि हार्ट की प्रेजेंट में आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ोगे, धीरे धीरे खिचड़ी खाओगे, मगर ये धीरे धीरे वाला तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, और जो स्पोर्ट्स मैन है वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो वो फिर मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने की मेरे अपने ऊपर बड़ी आदत रही। अभी पीछे एक दो बात ऐसे ऐसे हुए कि वो मैंने अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं किया, अभी भी नहीं बताया, सिर्फ एक ऊपर का लेयर बता रहा हूँ, जिससे लगा कि कोविड में खासकर ज्यादा कि कुछ शरीर में गड़बड़ हो गई है, दिमाग में गड़बड़ हो गई है, और वो आज भी हो सकता है कुछ उसका असर हो, मगर मैंने बिना दवाई बिना किसी को बताए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो 100% नहीं 200% हॉस्पिटल में लेटा होता या राम नाम सत उसका हो गया और मैं बिल्कुल फिट बैठा हूँ। और ये मैंने बिल्कुल अपने माइंड से कंट्रोल कर, और हो सकता है कि जो सोच से मैंने अपने शरीर में केमिकल जनरेट किए शायद उस बीमारी के ऊपर उनका असर, जबकि मैंने दवाई ली नहीं। इस बात से एक चीज तो समझ आ गई मुझे, शोले फिल्म का एक डायलॉग बड़ा अच्छे से याद आ रहा है, वो गब्बर सिंह कह रहा था जो डर गया समझो वो मर गया। मैंने एग्जांपल दिया भी आपको, हाँ। अगर मैं डर गया तो दौड़ नहीं रहा जो डर गया समझो वो मर गया, जिसने हिम्मत दिखाई वो बहुत कुछ कर गया। तो कोहली साहब ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और आज हर दिन करिश्मे करते हैं, ना खुद सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि हजारों बच्चों की, हजारों लोगों की जिंदगी को पॉजिटिव सोच के साथ बदल रहे हैं। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में और अगर आप अधिक जानना चाहते हैं, कोहली साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी जो मदद हो सकेगी वो जरूर करेंगे। तो ये जो मैंने एक लाइन बोली, जो डर गया समझो वो मर गया, जिसने हिम्मत दिखाई वो बहुत कुछ कर गया, एक बार आप भी अपनी हिम्मत को पहचानो। जिस दिन आपने अपनी हिम्मत को पहचान लिया, अपने आत्मविश्वास और अपने सेल्फ डिफेंस को पहचान लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो दुनिया आपके कदमों में होगी। कोहली साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, हमारे युवाओं के लिए आप क्या छोटा सा मैसेज देना चाहिए? युवाओं के लिए वही छोटा सा मैसेज है, अपने माता पिता की इज्जत करें, क्योंकि जो वेल विशर वो हो सकता है, कोई नहीं हो सकता जी। फेसबुक पे 10,000 आपके फ्रेंड हैं और मुसीबत पड़ने पे एक भी नहीं आ रहा, तो सो माँ बाप की आप खड़े होंगे, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करें जो आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं। और आजकल बहुत सारे लॉ हो गए कि टीचर डांट नहीं सकता, टीचर मैं नहीं सोचता कि टीचर अगर डांटेगा नहीं, माँ बाप का भी डांट अगर नहीं हो तो बच्चा बिगड़ता ही है, टीचर अगर नहीं डांटेगा तो बच्चे को कोई ना कोई तो असर हो गई। क्योंकि दो तरह के डर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा डर ये है कि हमारी आंखों में शर्म होती है हम माँ बाप के प्रति कि हमें डांट पड़ेगी, अगर वो भी उतर जाएगी, और अगर गुरु की भी शर्म अगर आंखों से उतर जाएगी, तो हमारी जिसे हम आजकल कॉमन भाषा में कहते हैं यंग जनरेशन, तो वो कैसे आगे बढ़ेगी जी? अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि यंग जनरेशन अब अभी हुई है या पहले थी नहीं, हम बूढ़े ही पैदा हुए थे सीधे 70 साल के पैदा हुए थे, और हम तो यंग जनरेशन में आते हैं। तो इज्जत करिए, इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, और जो हमारे आधुनिक गैजेट है उनके साथ जुड़िए,
इतना ना जुड़िए कि जीवन आपका नीरस हो जाए। ज्यादा मोबाइल देखना भी जीवन में नीरसता। आपको ये नहीं बचा चाचा ताऊ मामा, हरियाली नहीं दिख रही, आप पार्क में नहीं जा रहे, नेचर के साथ ही जुड़ रहे, जगह जगह सो सो डांस कंपटीशन हो रहे हैं, सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं, क्या कहते हैं सत्संग हो रहे हैं, वहां भी जाके बैठिए। जीवन में कुछ ऐसी बातें मिलती है जो हमें कामयाब होती है। और मैं इसमें एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि जो जरूरी है, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। तो जीवन को जिए, परिवार को साथ रखें, अपने गोल को जीवन में गोल ऐसा बनाइए कि आप लोगों के लिए मिसाल बने, तब तो है जीवन जीने का फायदा। और अगर आप मिसाल नहीं बन सकते तो कम से कम इतना तो बनिए कि आपका परिवार आपके ऊपर गर्व कर सके, आपके टीचर आपके ऊपर गर्व कर सके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कॉमन जिंदगी में हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, हमारे जो गुरु हैं वो समझाते रहते हैं, मगर कुछ उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ इधर से सुन के निकाल देते हैं। बस यही फर्क है जीवन में, जो इसको अपना लेता है वो कामयाब हो जाता है। यहाँ तो ऐसे होता है कि जब आपका संघर्ष करने का टाइम है, यहाँ तो आप उस वक्त संघर्ष करके पूरे जीवन आराम पाइए, या जो संघर्ष करने का टाइम था उस वक्त आराम करके पूरी जिंदगी संघर्ष ही करते रहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आजकल आपके बहुत सारे प्रोग्राम रेगुलर बैक टू बैक चल रहे हैं। तो तहे दिल से कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया गवि जी कि आपने बुलाया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपसे मिलने की, और वो इच्छा भी पूरी हुई। और जो मैं वैसे, क्योंकि मैं आप जैसे बताया कि आप देखते भी रहते हैं, मेरी एक एक क्लास में एक दो चार पाँच हजारों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, और मैं एक ही बारी में हजारों तक मैसेज हो जाता हूँ, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे बातचीत के माध्यम से हो। कोशिश रहती है कि उनका मार्गदर्शन जो है, अगर जो मेरे पास जो थोड़े से जो भी ऐसा हुनर है अगर उनके जिंदगी में काम आ सकता है तो वो। और मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप भी जाके बांटिए। हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का ये जो प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया है, इस प्रोग्राम को भी जितने अधिक मासिस तक हम पहुंचा सकें, आप भी जहां तक इसे शेयर कर सकें, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके, हर किसी को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, आप भी अगर हमारे इस पॉडकास्ट शो में आना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, बहुत जल्द हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके हुनर, आपके स्किल को जमाने के सामने लेके आएंगे। आप सभी के लिए हमारी यही दुआ है कि आपकी हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।